वेलकम टू द पकोड़ा गैंग शो एपिसोड नंबर 8। वो कुछ लोग कहते हैं कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या नाम ऐसा करो कि उसको लेते ही काम हो जाए। आज हम आपको मिलाते हैं ऐसी एक शख्सियत से जिनके ऊपर ये दोनों लाइनें परफेक्टली फिट बैठती हैं। डोगरों की असली आवाज, हमारे यहाँ के सबसे कद्दावर नेता चौधरी लाल सिंह जी से। तो सर स्टार्ट करें। हाँ जी सर, COVID-19 सिचुएशन पर बात करते हैं। जम्मू में एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाले, दे हैव टर्न्ड एज टोटल फेलियर्स। आपसे बढ़िया हेल्थ मिनिस्टर J&K को ना कभी मिला। मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ सर, ये बड़ी बात। आपसे बढ़िया हेल्थ मिनिस्टर इस स्टेट को नहीं मिला कभी भी। अगर आप आज की डेट में हेल्थ मिनिस्टर होते तो सर, आप इसके साथ किस तरह डील करते? आपके हिसाब से कहां कमियां रहेगी? एक्चुअल क्या है कि इन्होंने बुनियादी तौर पे बड़ा हाफजर्डली डिसीजन लिए जो नहीं लेने चाहिए थे। ये चीजें जब बीमारी और जान का मसला हो तो इसपे हाफजर्डली अचानक डिसीजन लेना बात नहीं है। बिल्कुल बैठ के मेरा ख्याल है कि अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, खासकर जो डील करती है इनसे, डॉक्टर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जो भी हमारे इस पे काम कर रहे हैं, जिनको आज योद्धा कहेगा, अब इन लोगों के जो कई अरसे के एक्सपीरियंस है, कोई बीमारी यही नहीं आई। दुनिया में कई बार कई ऐसी आपदाएं आई हैं, इससे भी खतरनाक हुई हैं, जबकि हिंदुस्तान में 1.5 करोड़ आदमी मर गया था प्लेन में, कत्ते की बीमारी लगी थी यार, वो दुनिया में 5 करोड़ आदमी मरा था। तो समय भी किसी ने कंट्रोल किया होगा, कुछ किया होगा जी, तजर्बे हैं सारे। और आज उस जमाने के मुताबिक फैसिलिटी ज्यादा है, बहुत कुछ एक 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 चरखे में आप कहीं के कहीं बात पहुंचा सकते हो, पूरी दुनिया से कुछ मंगवा सकते हो, ले सकते हो, दे सकते हो। आज के जमाने में कोई चीज ठीक करना मैं नहीं समझता कि कोई मुश्किल है, लेकिन इसको प्लान तो करना पड़ेगा। आप मैं एग्जाम्पल, अगर मैंने खत्म करना हो इसको, मेरे जमाने में डेंगू आया, सार्स आई, तो आप पूछिए कि पूरे देश में डेंगू सार्स चलती रही, हमने उसी समय 1 महीने में ना डेंगू रहा ना सार्स, जहां दिखाई भी नहीं दी किधर चलेगी। अब क्या था कि इस समय हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, हमें कैलकुलेट करें कि ये बीमारी जो है और हमारे पास जो सोर्सेज है, रिसोर्सेज हैं, चाहे ह्यूमन है, चाहे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके मुताबिक आपके पास है क्या है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है। अब देखो ना कितनी तकलीफ होगी, ऑक्सीजन नहीं, आज इनके हॉस्पिटल भर गए, प्राइवेट हॉस्पिटल जिनमें हमेशा खाली रहते थे वो सारे फुल हो गए। आए लोगों को घर में भी पहले जबरदस्ती हॉस्पिटल में लाते थे, आए हॉस्पिटल लेने को तैयार नहीं, चाहे प्राइवेट है चाहे सरकारी है, आए सारे के सारे आउट ऑफ स्टेट जा रहे हैं लोग, और जो नहीं जा सकता वो मर रहा है, सिंपल सी बात है। अभी तक आप दुखे हुए लोगों के पास से प्रॉपर इंतजाम नहीं हम दे पाए सरकार की तरफ से, लोगों के पास जो भी गमछा शमछा जो ये है सारा, आपकी मास्क है या सैनिटाइजर है, कौन सा है, क्या है, उसके लिए भी क्वेश्चन है, और मास्क के लिए भी क्वेश्चन है। फिर ये किसको पता है कि इससे ठीक होना है, इससे नहीं ठीक होना है, ये भी पता नहीं।
फिर टेस्ट हो रहा है कि टेस्ट में भी पता नहीं है, अब सारी चीजें कंफ्यूज है। तो जब ये कंफ्यूज है, फिर इलाज नहीं है, दवाई नहीं बनी, ये नहीं हुआ, व्हाट इज, तो अब उसको कैसे रोकोगे आप? फिर आप हॉस्पिटल में डाल करते तो कौन सी दवाई देती हो? वो कैसे ठीक हो जाता है? फिर उसको कहते किसी इम्यून ठीक थी, उसका ये ठीक था, उसका ये ठीक था, इसलिए बच गया। तो बीमार हुआ था इम्यून, उसकी कारण ये बड़े क्वेश्चन है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर मैंने इसको आज भी ठीक करना हो तो आपके जम्मू कश्मीर में 700 के करीब हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 700 आपके पास प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर कोरोना में एक भी फंक्शन नहीं, इवन के सब डिस्ट्रिक्ट फंक्शन नहीं, CHE कम्युनिटी हेल्थ सेंटर फंक्शन नहीं है, इसमें कोई काम ही नहीं कर रहे। व्हाट इज, लोग घरों में बैठ के ह्यूमन रिसोर्स भी घरों में कुछ लगाया, कहीं वो भी कहीं लखनपुर में किसी को आने जाने में कहीं रखा है, अदरवाइज व्यर्थ इस्तेमाल करने का समय था ना। बिल्कुल, तो अब नहीं करना था, कम करना था। सबसे अगर आप 700 अगर आपके 700 प्राइमरी हेल्थ सेंटर, न्यू टाइप ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर ये जो खोलेंगे, इसमें 4-4 डॉक्टर अपॉइंट होते हैं मिनिमम, 5 हो सकते हैं, और 8-10 आपके दूसरे लोग हैं पैरामेडिकल होते हैं, ये 15-20 के करीब लोग होते हैं। और दे दो टेस्ट तो आप कोई भी कर सकते हैं, नाक में लगाए, में गए थे गवर्नमेंट साहब के पास, लगाया आधे मिनट में लगा कि ठीक है, आधे मिनट की रिपोर्ट है, जो रैपिड है, उसके बाद दूसरा ये आप प्रीकॉल है, ठीक है। ये 2-3 किस्म के आपके टेस्ट है, और एक अनजान आदमी भी कर सकता है ना, कोई भी कर सकता। तो मेरा कहने का मकसद है कि सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर उसको चलाने की जरूरत थी इस समय। राइट, मेडिकल कॉलेज की क्या जरूरत है, उसमें तो बीमारियां आनी चाहिए, बड़ी बड़ी बीमारियां, खजल हो रहे हैं लोग, किडनी वाला खजल हो रहा है, हार्ट वाला खजल हो रहा है, उसको किसी को और बीमारी है उसका खजल हो रहा है, गैस्ट्रोलिक प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, और बुखार है, वो तो पूछे नहीं जाना, सबसे पहले कोविड टेस्ट करो। तो हॉस्पिटल कोई तो छोड़ना चाहिए था जो बाकी बीमारियां देखे हैं, लोग जो मर रहे हैं असली में वो लोग मर रहे हैं ज्यादा, जो दूसरे के इलाज नहीं हो रहा, और जो लोग डायलिसिस कराते थे उनका तो हाल ही खराब हो गया, कहां हो रहा डायलिसिस, ठीक है ना। तो चीजें समझने वाली है कि हर्ट प्रॉब्लम है बंदे को, उसका क्या हो रहा है, अटैक हो जाता है, रात को जाना है तो उसको पहले कोविड करोगे? मुझे बताओ, आप भी डॉक्टर के बेटे हो, यू नो बेटर, और बड़े समझदार बच्चे हो आप, इस बात के लिए आपको बधाई देता हूं कि आपने बहुत अच्छा एक काम शुरू किया है, अपना कारोबार छोड़ के आए हो, आई एम वेरी हैप्पी, मुझे खुशी है कि मैं आप जैसे बच्चे के साथ बैठा हूं जो जम्मू को चेंज देखना चाहता है, जो चाहता है कि जम्मू हमारी एक स्टेट बन के सामने आए, आई एम वेरी हैप्पी, मैं आपके साथ हूं, आप हमारे साथ हैं, हम ये रल के ही चलेंगे, सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, 700 को आप जर्व करो 25 साल, तो 20-25 लोग ऐसे भी हैं उस इलाके में, 40-50, वो 20,000 पॉपुलेशन में होता है मैक्सिमम, 10,000 से 20,000 के बीच होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, राइट, पूरे कंट्री में ऐसे, ये पूरे देश में भी है, वो पूरे देश ठीक हो सकता है, राइट। अगर आपको समझाओ, इनके दिमाग में देखो ना, ये लोग कहीं और उड़े हुए, बेसिकली पाकिस्तान की बात का फिक्र रहता है, चाइना का फिक्र रहता है, फिक्र इनको टाइम में बहुत हो गया, असली फिक्र जो है कि अगर देश बचेगा, देश के लोग बचेंगे, दिस इज द प्रायोरिटी, जान है तो जान है, बाकी कुछ नहीं। बाकी कोविड पे आप कहोगे कि कोई परहेज नाम की चीज है, तो मैंने देखा है इन लोगों का वतीरा देखा, सब कुछ देखा है, मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई इस पे कोई कुछ कर रहा है, नो नॉट एट ऑल, खुद चले जाते नारायणा में, क्यों, बड़े बड़े ऑफिसरों को क्या तकलीफ होती है नारायणा जाने की, बड़े लीडरों को तकलीफ क्या होती है नारायणा जाने की, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर लाइक नहीं हो रहा है, बिल्कुल होना चाहिए प्राइमरी है, आज मुझे दे दे, मेरे हवाले करें, मैं चला देता हूं सारा सिस्टम,
वो 25-30-40 लोग जो उसके इर्द गिर्द 20,000 आबादी में जो लोग बैठे हुए हैं उसमें पैरामेडिकल के लोग ट्रेन बैठे हैं बेरोजगार, उसमें आपके डॉक्टर हैं चाहे वो जिस भी स्ट्रीम के हैं, चाहे एमबीबीएस हैं, चाहे आपके आयुर्वेदिक हैं, जुनानी हैं, चाहे आपके इसी इलाके में डेंटल हैं, डॉक्टर तो हैं, ये तो मुगल इलाज है, ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहने का मकसद है कि जब ये 700 के बंदे, 700 जो गांव है 20,000 की आबादी पे बैठा है, राइट, एक आदमी, एक प्राइम मिनिस्टर, उसमें 50 आदमी चाहे 30-40 वो आगे 50 बंदे बन गए। टेस्ट करने वाला बंदा एक होता है, लिखने वाला एक होता है, 50 के कितने टेबल बनते हैं, 25 लाइनें लगेंगी। और अगर आधा मिनट लगता है रैपिड को, अब एक मिनट लगाओ सरकारी है जी, थोड़ा सा बागाम हो गया, बताओ एक दिन में आपने कर लिया, दो दिन लगाओ यार, दो दिन लगा, अब 3 दिन लगा दो, 3 दिन में पूरी स्टेट टेस्ट हो जाती है, कैथ लिफ्ट काम कर खोल के फेंक दो, जो पॉजिटिव पाया गया उसको कोरोना में जो भी सेंटर बनाना बना दो, आपके तो सारी जगह खाली पड़ी है, जो खाओ कर चिंता में पड़े हुए लोग हैं, बेसिकली कोई प्रॉपर इंतजाम है ही नहीं, जिसको भी रखा कहीं भी खाने का प्रॉपर इंतजाम, इंसान को खाना तक नहीं है यार, ऐसे डाल देते हैं उसमें बॉम जामा लेके उसके ऊपर रख देते हैं ऐसे, जैसे कैदी बैठा हुआ है, क्या बात करते हैं यार, आपके कोरोना से डरना नहीं, कोरोना को हराना है, तो फिर वो रोटी देते हुए इतनी कैसे हो रही है, दवाई खाते हुए पर उसको दूर से पूछ रहे हैं, और ऑफिस में जाइए लोगों ने बोल लगाई है कल टेबल लगाई है ऑफिस में, अभी सर जहां बैठा क्यों आए हो आप, बंद करो, जब आपने टेबल लगाई है वहां दरवाजे में, वहां से पूछेगा कोई अफसर उसको, क्या भाई अरे यार वो इतनी दूर से चल के आया टेबल लगा के बैठे, फिर कहते हो कि लगाया तो खतरा नहीं है, फिर आने दो ना, मुझे बताओ अगर मास्क लगा के, गमछा लगा के, मुफर लगा के, अगर ये चीजें लगा के आप, अगर आप कहते हो कि आप एक दूसरे साथ बैठ सकते हो, मिल सकते हो, तो खुद ना सारे लगाओ, ये तो काम चलाओ ना, इसका मतलब है ये भी डाउटफुल बात है, अगर नहीं है तो खोलो, स्कूल बंद है, आपके कॉलेजेस बंद है, आपकी एजुकेशन ठप हो गई, आपके ऑफिस ठप हो गए, आपके कारोबार लोगों के बंद हो गए, लोगों की मेट्रोडोरें सड़ गई, लोगों के आपके बसें सड़ गई, गाड़ियां सड़ गई, ट्रैक्टर सड़ गए, ट्रॉली सड़ गई, बुरी हालत हो गई लोगों की, फिर उसके बाद दुकानें, रेस्टोरान, होटल्स, ढाबे, सारी दुनिया पर बात हो गई ना यार, ये तो अगर यार अगर बेटा इसको लगा के आप चल सकते हो, कहते हो टीवी पे मास्क बगैर नहीं रहना, आप कहते हो मास्क बगैर नहीं रहना, आप कहते हो उसके बगैर नहीं रहना, अगर उसके बगैर नहीं रहना तो इस मील में प्रोटेक्शन है ना, तो प्रोटेक्शन यूज द प्रोटेक्शन, डू द वर्क राइट। और दूसरा जो मैंने काम कहा है 700 किया 2,16,32,000 आदमी होता है दो दिन में, 20,000 की पॉपुलेशन, और हिंदुस्तान को कितने दिन लगेंगे, 3-4 दिन तो सारा देश ऐसे करे ना, क्या प्रॉब्लम है, कहेंगे हमारे पास वो टेस्ट करने के लिए सामान नहीं है, भाई आपका तो ज्यादा जाया हो रहा है, ज्यादा जाया हो रहा है, क्यों, वो एक बार लगाओ और बाहर जाओ तो कहते खत्म है, कोई और से मिल लिया पता नहीं उसको हो गया, तो जब क्योंकि वो बाहर वाले बंदे का टेस्ट नहीं हुआ ना, तो आप उसको लगा के तो वो तो खत्म हो गया जो लगाया, तो बेटर है एक बार सबको लगाओ ना, एक ही बार एक टाइम सबको लगाओ, टाइम डिसाइड किया, बिल्कुल टाइम डिसाइड किया, आज एक गांव होगा, एक गांव होगा, एक गांव होगा, क्योंकि हर गांव में वो है प्राइमरी सेंटर, बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम एकदम बिल्कुल, करण आपका जैसे आपके गांव है बिलावर चले जाओ जी, कितने प्राइमरी ऐसे भल्लू चले जाओ, आपके महानपुर चले जाओ, आपका करणवाड़ा चले जाओ, आप उसका मसोली आया था उसके बाद ऊपर जाओगे सांदर चले जाओ, आप जंदराली चले जाओ, पूंड में चले जाओ,
आप माशका चले जाओ, ऐसे बनी चले जाओ, आपको लहर नहीं है। और सारे बंदे डिफेक्ट है ना, तो वो लोगों का इलाज कर रहे हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स ना इस्तेमाल हो रहा है, ना लोगों को कोई बेनिफिट हो रहा है। उल्टी लायबिलिटी, उल्टी एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है जिस तरह से चल रही है ना। बिल्कुल, मैं तो वही काम लेता हूं, मैं हूं बोलाल से, सीधी बात है। और ये बातें इनको सरकारों को जो देखो ये चीजें कुछ भी करनी हो, जैसे स्टडी तोड़नी है तो जम्मू के पॉलिटिशियन को नहीं पूछा नहीं क्या? बिल्कुल है, स्टेक होल्डर रहता है। इवन के बाहर के जो सीनियर लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वैसे भी कोई भाई बीसी है, कोई भाई चांसलर रिटायर है, कोई चीफ सेक्रेटरी रिटायर है, कोई चीफ इंजीनियर रिटायर है, कोई बड़े बड़े लोग जो रिटायर है, कोई डीजीपी रिटायर है, क्या नहीं पूछना चाहिए था? बिल्कुल पूछना चाहिए था, हद कर दिया। ये कहां का लोग राज है? यही तो लोग राय की बात है, इसलिए तो लोग मर रहे हैं इस बीमारी के लिए। ये बीमारी ठीक हो सकती है, और हेल्थ मिनिस्ट्री और हेल्थ डिपार्टमेंट चला, मैंने समझता कोई चीज डिफिकल्ट है। आपके पहले आपके पास चार मेडिकल कॉलेज नए खुले, और कितने मेडिकल कॉलेज आपके पास पुराने हैं, और आपके पास 16 इंस्टीट्यूट है, आपके पास दो एम्स बन गए हैं, आपके पास क्या नहीं है? कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कितने सब सेंटर है? आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे सबको, तो आप हैरान हो जाओगे कि सारी चीजें बड़ी आसानी से ठीक हो सकती है। ये कह रहे जगह नहीं है जी, हॉस्पिटल में जगह नहीं है। भाई आपको तो हॉस्पिटल गिने नहीं आपने, आप तो हॉस्पिटल 3-4 ही गिन रहे हो, एक मेडिकल कॉलेज, एक कठुआ, एक उधमपुर, ये 4-5 स्कूल गिन रहे हो। इससे आप पीछे हटो ना, हर कॉन्स्टिट्यूंसी 37 कॉन्स्टिट्यूंसी है, हर में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है बढ़िया, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 20-25-30 प्राइमरी सेंटर है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उसके बाद एड है उसको डिस्पेंसरी, उसके नीचे सब सेंटर। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है। इसलिए मेरी जनाब से बेनती है कि ये चीजें सारी ठीक हो सकती हैं, करने की नीयत होनी चाहिए और करने की क्षमता होनी चाहिए। थैंक यू सर, ये एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम का इतना अमेजिंग सॉल्यूशन सर ही निकाल सकते थे। मैं इसलिए सबसे पहले सर यहीं से शुरू होता हूं, मेरा पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछूंगा। ठीक है सर, दूसरी बात करेंगे हम 370 एब्रोगेशन को लेकर। 370 हटाने के लिए ये जो पार्टी है रूलिंग पार्टी, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिख रखा था कि हम 370 हटा देंगे। लेकिन उसके साथ एक और बात होती थी ट्राइफर्गेशन की, लेकिन बात हुई बाइफर्गेशन की, आपका क्या कहना है सर? देखो एक्चुअली हमारा तो पार्टी का जो बनाई है उसका तो है ही प्रोग्राम ही है, फर्स्ट प्रोग्राम ही है कि जम्मू स्टेट बने, वेरी सिंपल। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन यह है कि जब इन्होंने ये चीजें करनी थी, रायमा बनानी चाहिए, दिस इज वेरी क्लियर, लोक राज है, लोक डेमोक्रेसी है, और लोक राय की सबसे बड़ी पहचान यह है कि दुनिया से खौफ रहना चाहिए सरकार को, डर रहना चाहिए, और सरकार लोगों से करे तो लोग रहने से उल्टा काम हो रहा है, काम होगा। और बुनियादी तौर पर हुआ क्या है कि सरकार ने लोगों को या लोगों के लीडरों को लोगों की जो एस्पिरेशंस होती हैं वो अपने लीडर पे होती है, तो लीडर को उसको उसके लीडर को वो पूछेगा तो लोगों की काज तो पहले ही दबी। ये बात करनी थी तो एटलीस्ट एक रायमा बननी पड़ी जरूरी थी। फिर आपने ये भी कहा है कि अगर हम ट्राइफर्गेशन की बात कर लेते तो ये ट्राइफर्गेशन की बात है, वो बाइफर्गेशन क्यों? लद्दाख वालों का तो मसला था ही कि उन्होंने यूटी मांगी, बड़ी पुरानी मांग रहे थे, पहले हिल काउंसिल मांगते थे फिर वो यूटी पे पहुंचे, अब तो उन्होंने सेक्शन 6 भी ले ली। क्या बात है यार, अच्छा हो गया, बढ़िया। ना वहां कोई जमीन ले सकता है लद्दाख में, ना लद्दाख के अंदर इंटर कर सकता है कोई आदमी, ना वहां की नौकरी ले सकता है, ना कोई चीज भी वहां की नहीं छोड़ सकता, उन्होंने अपना करा लिया। भाई इतने मेहरबान, 1 लाख आबादी 1.5 लाख आबादी पे आप इतना तरस आया, तो यो टोटल करोड़ के 1.25 करोड़ के करीब लोग हैं, उस पर रहम क्यों नहीं आया आप लोगों? व्हाट इज दिस?
आपको स्टेट जम्मू की स्टेट आपने जम्मू को हमेशा बरकराया। अगर जम्मू को कहा आपने कि जम्मू स्टेट बनाएंगे तो जम्मू के लोगों ने सहयोग किया, जुड़े लोगों को पूरी उम्मीद थी, उसे लोग खड़े थे बड़े कि ये हो जाए। बाद में जब नहीं हुआ फिर लोगों ने कहा नहीं थोड़े दिनों के बाद, कुछ दिनों फिर है ना कुछ लोग अभी 6 महीने के बाद हो साल हो गया मना लिया साल कैसे होगा। इन लोगों को समझना पड़ेगा कि आप जब ऐसी चीज कहते हो नहीं हो तो उसके लिए लोगों को निकलना चाहिए, बात करनी चाहिए। बिल्कुल सर, अगर आप बात नहीं करेंगे तो ये चीजें ऐसी दबी रहेंगी, ऐसी दबी रहेंगी। और जम्मू कश्मीर को ही कोई ऐसा कोई स्पेशल स्टेटस आप समझो कि बहुत बड़ा मिला हुआ है। इन्होंने 35A को ब्रेक करना था, 370 को तो ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है, 371 अभी भी लगी हुई है, इवन के गुजरात में लगी हुई है, गुजरात में कोई आउटसाइडर गवर्नमेंट नौकरी नहीं ले सकता। ओके, हाँ, जब गुजरात नहीं ले सकता तो जम्मू कश्मीर में गुजरात वाला क्यों ले गया हद है यार, आप भी कमाल करते हो यार, हमारे लोगों को इतना बेवकूफ क्यों समझे। इसके साथ अगर आप देखो जो आपका अरुणाचल है, आपका आसाम है, आपकी मेघालय है, आपके जितनी भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है सारी 371 है, वहां कोई आदमी लैंड नहीं ले सकते। हिमाचल में भी 371 नहीं, हिमाचल 371 है, हिमाचल खुद अपना एज ए स्टेट, जैसे हम स्टेट मांग रहे स्टेट हो स्टेट के कुछ अख्तियार होते हैं। ओके, हिमाचल ने अपने स्टेट के अख्तियार कुछ इस्तेमाल किए हैं, जिसके तहत कोई भी आउटसाइडर वहां सेटल होगा 15 साल पहले रहेगा, फिर उनको लगेगा कि इसको रख सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट बनता है। जम्मू कश्मीर में 5 साल 7 साल है और उसके बाद जो हम यहाँ परमानेंट है उसका क्यों बनेगा तो मिसाइल में। सर ये मेरी भी समझ से बाहर रहेगा, क्यों बने। अच्छा एक बात हो, हमें एक बार हो, अगर आपने जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में बनाई दिया है, पहले तो हिंदुस्तान ही था वही तो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की नंबर फर्स्ट जब पहली बात शुरू होती वन पे तो आप देखो उसी में लिखा है कि हम सारे इंडियन है, वो तो खत्म नहीं हुआ, वो तो पहले भी था। वो भी रखा जी, राइट। बिल्कुल, तो कहने का मकसद है कि जब आपने ये कह दिया कि आज हमने सबको एक कर दिया तो फिर हमारा डोमिसाइल किसका भी क्यों बनना, हमने खुले रखना फिर क्यों बनेगा किसी का, जब आपने जो बीच वाली दीवार आपने आपने तोड़ दी है, हैं? जो मर्जी घुस सकता है, फिर सर्टिफिकेट किस चीज का। सर मेरे को तो ऐसे भी सर्टिफिकेट वही मैं भी वही कह रहा हूँ, मेरे को तो आप खुद कंफ्यूज हो, ये सर अपने वाले लोग खुद कंफ्यूज हैं कि जब आप डोमिसाइल किस लिए बना रहे हो भैया। डोमिसाइल तो बनता है कि किसी का और कोई सर्टिफिकेट हो तो वहां किसी को सर्टिफिकेट देना है तो उसको डोमिसाइल देना, उसके रहने का इंतजाम कैसे कैसे होगा। वेस्ट रिफ्यूजीज के लिए बनता, यस, ये वेस्ट पाकिस्तानी थे ना यहाँ, जो बनना था उनका उनका बनना चाहिए था, राइट, उन्हीं के लिए डोमिसाइल था। उनको और रह गए पीछे और लोग आगे और दुनिया में दिखाने के लिए कि वहां हमने जड़ा मर्जी जाए, और ऐसे ऐसे बड़े 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 ऑफिसरों ने, बड़े बड़े मंत्रियों ने, बड़े बड़े ऐसे मुख्यमंत्रियों ने यहां तक कह दिया अब जम्मू कश्मीर में वहां की लड़कियां बड़ी खूबसूरत हैं, अब वहां जाके शादी करो। यार इससे बुरा, इससे बुरी बात क्या हो सकती है हमारे लिए, लानत की बात है और ऐसे लोगों के लिए लानत है, इसलिए ऐसा हो रहा है ना देश में जो देख रहे हो आप। ऐसा कहोगे क्या, हमारी लड़कियों पे नजर रखी थी आपने 370 और 35 तोड़ने के लिए, बट दिस हमने देखा यूपी का मेरे क्या बोल रहा जी सर, हरियाणा का पता क्या बोल रहा जी सर, ऐसी हालत है क्या, हिम्मत है आपकी, मरे थोड़े लोग हैं यहाँ के, रिश्ते हमारे हिंदुस्तान के किसी के साथ भी हो सकते हैं, किसी बच्ची के किसी बच्चे के हो सकते हैं। आइए कहेगा कोई आदमी वहां की गोरी चढ़ी लड़कियां वहां भरी, अब आप वहां जाकर अपनी चाहे शादियां कर लो, आपकी पॉपुलेशन कम है, उन लोगों की पॉपुलेशन कम है फीमेल की, क्यों मारते हैं लड़कियां, भ्रूण हत्या करते हैं। जम्मू कश्मीर ऐसी स्टेट है यहाँ 982 लड़कियां अगेंस्ट मेल, और यहां 800 700 700 है आपके लिए रखी है जो है हद है यार, ये बड़ी अजीब रास्ता है। इसलिए इसके टूटने से
मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी कोई अचीवमेंट हुई है, कोई एक काम बताया नहीं जिससे हो गया, कोई नौकरियां मिल गई बढ़ गई, कोई इंडस्ट्रियलाइज हो गया, उल्टा क्या हो गया कि जान की माइनिंग भी यहाँ से लोगों के हाथ से छूट गई, जो 5 रुपये रॉयल्टी देता था एक सैकड़े की बजरी की उसको 600 रुपया देनी पड़ रही, खत्म कर दी है, तबाही कर दी लोगों ने। लोग पहले अपना वो क्या कहते हैं उसको वसीयत बनवाते थे कोर्ट में जाके, तो 5 रुपये फीस थी, 2500 हो गई है। और दूसरा नंबर पटवारी गिरदावर और ये सारे लोग ये जब भी कागज बनाते थे तो कहते जज के पास जाने, रजिस्ट्री होनी, डरते थे। अरे बताओ यार, खुद ही बनाएंगे खुद ही करेंगे यार, कहते यार क्या बात है यार, बड़ी दूर चला गया यार। इसलिए सारे लोगों का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ के जो हमारे KPS लोग हैं वो कहाँ चलेंगे बेचारे, उनकी नौकरियों में कितने डिसीज होते थे, कितने वो होते थे, मतलब ऐसा थोड़ी कि आप सारे लोगों को आसा 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 सर्विस में भी फिर बिजनेस में भी, आप बिजनेस देखिए ब्रिकल की क्या हाथ होगी, पंजाब का ब्रिकल वहां से 25-25 हजार का ट्राला भरा हुआ ईंट का वो यहां घूम रहा है। सर हर तरह का बिजनेस हम लोगों को देख लो, हमारे पास मूर्ति नहीं है, हम घर बैठ के अपना काम नहीं कर सकते, बच्चा घर में बैठे क्लासेस नहीं कर सकता, प्रॉपर पढ़ नहीं रहा, कोई पढ़ नहीं रहा है। और मतलब गवर्नमेंट हम लोगों को रीजन देती है ये वाला कि नहीं 2G पे ई लर्निंग तो हो सकती है। देखो एक बात आपको सुनाओ इसी बात पे, जब आप वाईफाई आप लगा सकते हो उसमें प्राइवेसी नहीं है, तो सबसे जल्दी केस पॉइंट वो है जी, उससे जब आप वाईफाई लगा सकते हो तो 4G में कौन सी स्टोटी लीक हो रही है। और सर वाईफाई भी पर्सनलाइज तो नहीं, उन लोगों ने हमें वाईफाई रोड्स पे दे दी है। आप परेड में जाओ हमने वहां लगाया, कच्ची सोनी के पास आप गांधीनगर ग्रीन बेल्ट में जाओ वाईफाई लगाया, मतलब वहां से वो मिस यूज नहीं हो सकता, लेकिन हमारे फोन से 4G में मिस यूज हो जाएगा।